हेलो एवरीबॉडी, मिस्टीरियस फूडिंग में आप सबका स्वागत है। आज मैं लेकर के आया हूँ लहसुनी अंडा मलाई मसाला रेसिपी, जो कि दिखने में काफ़ी लाजवाब और उतना ही खाने में डिलीशियस है। चलिए बनाते हैं। मैंने बॉयल अंडे में कर लिया है छोटे छोटे होल और इसको साइड में निकाल करके अब हम रख देंगे। हमें यहाँ पैन में पानी को गर्म करना होगा और उसमें हम डालेंगे 3 बड़े कटे हुए प्याज और करीबन 50 ग्राम के आसपास हम लेने वाले हैं काजू, और उसको हम करने वाले हैं काफ़ी अच्छे से बॉयल। और जैसे इसमें एक अच्छा बॉयल आ जाए, हमारा प्याज में से वो खुशबू हट जाए, तो हम क्या करने वाले हैं कि हम इसे डालने वाले हैं मिक्सर ग्राइंडर में और हम इसे करने वाले हैं मिक्स। और एक स्मूथ और ज़बरदस्त एक प्यारा सा हमें पेस्ट बनाना है, कुछ आप देखोगे कुछ इस तरीके से, कुछ ऐसा कंसिस्टेंसी होना चाहिए। अब हमें यहाँ 2 बड़े चम्मच घी लेने हैं, बड़ी छोटी इलायची, जीरा, दालचीनी, तेज पत्ता डालना है और इसमें हमें 10 से 12 कटी हुई लहसुन और 4-5 हमें हरी मिर्च डालना है, और हमें वो पेस्ट को इसके अंदर डालना है जिसको हमने अभी बनाया था, और इसको धीरे धीरे कुछ ऐसे ही हमें फ्राई करते रहना है। जैसे ही हमारा मसाला भून जाए, हम इसमें डालेंगे पानी और इसे खोलने के लिए रख देंगे एक साइड। तब तक हम तेल में अंडे को करेंगे फ्राई। आप चाहे तो अपने अंडे को हल्का फ्राई कर सकते हो, मैंने थोड़ा ज़्यादा लाल कर दिया है, आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसा चाहते हो। अब हमारा अंडा फ्राई हो चुका है, तो चले अब हम अपने मसाले को देखें जिसे हमने चढ़ा करके छोड़ा था। अब हम इसमें डालने वाले हैं जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, इसमें डालेंगे नमक और थोड़ा सा काली मिर्च और जिंजर डाल करके हम अपने मसाले को कर लेंगे तैयार, और हम इसे आराम से धीरे धीरे कुछ ऐसे ही चलाएंगे। अब हम क्या करने वाले हैं कि अब हम इसमें 1 अंडा ग्रेट करके डालने वाले हैं। आप चाहे तो 2 अंडे भी ग्रेट करके डाल सकते हो, मैंने 1 अंडा को डाला है। इसके अंदर डाल दिया है और फ्रेश क्रीम डाल करके अब हम क्या करने वाले हैं अपने मसाले को तैयार। जैसे हम फ्रेश क्रीम डालेंगे 2 से 3 मिनट हम पकाएंगे, इससे ज़्यादा हम नहीं पकाएंगे। अब हमारे मसाले के अंदर बॉईल भी आ चुका है और हमारा मसाला बिल्कुल तैयार हो गया है, तो चलिए अब हम इसको अपनी स्टाइल में कुछ सर्व करने वाला हूँ, तो चलिए करते हैं स्टार्ट।